100% श्योर हूँ कि मोदी जी पुनः आएंगे, एकदम 100% खिलेगा। कोई दूसरे राज्य में नहीं, दूसरे आदमी भी नहीं है। राहुल गांधी की पार्टी तो है, लेकिन वो क्यों नहीं? लाइक नहीं है उसे। साल हो गए राहुल गांधी एक बार शहर में घूमने आए क्या? कहने को तो सब कुछ बहुत कुछ कहेगा, ये पागल मतलब हाथी जा रही, कुत्ते बहुत भोगते जाते हैं। हाथी का काम है अपना काम करना, हो जाता है, उसे कुछ नहीं बोलता है। जो 45 साल से हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं किया है, मोदी जी तो बहुत काम किए हैं। जब भी आए उन्होंने कुछ न कुछ बनारस के लिए, विकास के लिए ही करके गए। अरे लोग झूठे हैं, केवल राहुल गांधी जी सच्चे हैं। राहुल को क्या जानकारी, वो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। 5 साल आना बहुत जरूरी है, वो नहीं आएंगे तो विकास फिर दब जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कि कोई भी चीज अगर बिगड़ता है या उसको डेवलप करना पड़ता है तो थोड़ा तो दिक्कत तो आती है। जितनी रफ्तार से मोदी जी के आने के बाद काम हुआ है मैम, उतनी रफ्तार से आज तक 60 साल में कभी नहीं हुआ। सर आपका नाम? विनोद कुमार। सर आपका? रामचंद्र पांडे। अभी आपका नाम? शीतल प्रसाद साहनी। तो आपको क्या लगता है कि 2019 में मोदी जी या फिर राहुल गांधी? देखिए मैं तो 100% श्योर हूँ कि मोदी जी पुनः आएंगे। लोग उनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो देश की विकास के संबंध में कार्य कर रहे हैं, और हमारे बनारस में तो उन्होंने काफ़ी विकास किया, ये आप देख सकती हैं शहरों को। जो 5 साल पहले जिसने बनारस को देखा है, आज वो बनारस को देखेगा तो खुद बताएगा कि बनारस में कितना ज़्यादा विकास हुआ है। आप घाट को ले लें, चाहे सड़क को ले लें, चाहे रोड को, चाहे लाइट को, हर चीज़ में सुधार किया है। तो हम तो चाहेंगे कि उनको 5 साल फिर मौका दिया जाए कि उस शहर को और बेहतर बनावे। जो लोग यहाँ आते हैं तो वो कहे कि वाह, मोदी जी ने शहर को अच्छा बनाया है, इसलिए उनको हम लोग पसंद करते हैं। भैया मोदी जी तो बहुत काम किए हैं भाई, भाई हम लोग तो खुशी हैं उनके मन, हम उन्हीं को चाहते हैं भाई और आगे काम बढ़े हैं। आदमी बहुत जो आदमी जानता है, जो 45 साल से हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं किया है, मोदी जी तो बहुत काम किए हैं, उनके खुशी हैं भाई हम, और आगे आवें तो मोदी जी आवें, हम तो यही चाहते हैं। यहाँ की जनता की, यही अपील है भैया। हमको भी मोदी जी हमारे फेवरेट के हैं, कि जितना भी मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, जैसे आप सड़क का ले लीजिए, बाकी ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो आज, यानी कि आपका कहना है कि विकास हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी सरकार तो जुमलेबाजों की सरकार है। नहीं नहीं, गांव वाले क्या जानेंगे, मोदी देखे मैडम इतने साल हो गए राहुल गांधी एक बार शहर में घूमने आए क्या? इतने साल इलेक्शन हुआ, आज 70 साल से हो रहा है, आज इतने साल के प्रधानमंत्री हुए, आज तक कोई प्रधानमंत्री इतनी बार शहर में आया क्या? माना कि हमारे शहर के सांसद है, लेकिन आज कम से कम 14-15 बार बनारस में आए, और जब भी आए उन्होंने कुछ न कुछ बनारस के लिए, विकास के लिए ही करके गए। तो आप, हम किसको चुनेंगे, उनको चुनेंगे या राहुल गांधी को चुनेंगे, जो खाली वोट पाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं? ऐसा कभी नहीं चलता है, आप काम करके दिखाओ तब आपको पब्लिक वोट देगी, सीधी सी बात है। सही बात है। तो इसलिए हम सभी जानते हैं, आप किसी से पूछ लेंगे हर कोई मोदी की बात करेगा, पूछिए आप इन लोगों भी खड़े हैं, आपको एक ही मत लगेगा, मोदी मोदी मोदी। हमारे अकाउंट पत्र लगा गए उस टाइम, आ गए जब सरकार ने सेनाओं को मजबूत कर दिया। सबसे पहली बात हमारे लिए तो सबसे पहले देश है, रुपया महत्व नहीं रखता है, देश की सुरक्षा सबसे पहले महत्व रखता है। आज सेना इतनी मजबूत हो रही है, राफेल को लेकर के, चाहे जो भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बुलेट प्रूफ जैकेट, चाहे बुलेट प्रूफ जीप, या और भी रख लीजिए जो नए नए आविष्कार, जो पैलेट गन वगैरह जो दिया जा रहा है सेना को, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले की जो सेना के लोग थे, आर्मी चीफ वाला बोलते थे कि हमारे पास साधन नहीं है बॉर्डर पर लड़ने के लिए। आज सेना खुद, हमारे आर्मी चीफ जो है खुद ललकार के बोल रहे हैं विदेशी पड़ोसी देशों को, दुश्मनी देशों को, कि लड़ने की हिम्मत है तो आ जाओ। तो ये पावर मोदी जी के आने के बाद हुआ है, क्योंकि उतना जो सुविधा होना चाहिए लड़ने के लिए, चाहे औजार हो, अभी चाहे एनीवे कुछ भी हो जो लड़ाई में यूज़ किया जाता है, वो सब मोदी जी के आने के बाद ही उतना मजबूत हुआ है। मोदी जी को 5 साल आना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं आएंगे तो विकास फिर दब जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। वो आएंगे 5 साल और आना रहेंगे यहाँ, तो आगे गाड़ी और बढ़िया होगा और बनारस और बढ़िया लगेगा शहर। जानकारी क्या है, पॉलिटिक्स होता क्या है, राहुल को क्या जानकारी, वो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? दूसरे के ऊपर, वो अपना कुछ, उनको टैलेंट नहीं है। मोदी जी का खुद टैलेंट है कि क्या करना चाहिए, और उनके आने से आने वाला 5 साल बाद आप लोग भी यहाँ देखेंगे कि क्या विकास हो रहा है। और वो अब तक जितना किए हैं बहुत ओवर किए हैं, जो आज तक 70 साल में नहीं हुए।
जितनी रफ्तार से मोदी जी के आने के बाद काम हुआ है मैम, उतनी रफ्तार से आज तक 60 साल में कभी नहीं हुआ। ये 4.5 साल में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। आप पूरा बनारस घूम के देख सकते हैं, हर जगह बनारस आपको पहले की अपेक्षा बहुत ही साफ़ सुथरा और रोड वगैरह से भी बढ़िया एक्यूरेट चमकाचक मिलेगा आपको। नहीं अभी बात हुई तो कईयों का कहना है कि मोदी जी तो कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया, लेकिन गंगा माँ को तो साफ ही नहीं कर पाए मोदी जी। आप गंगा जी गई थी? नहीं मैं भी जाके तो नहीं, आप जाके देख लीजिए पानी कितना सफा है और 4 साल पहले पानी की हाल क्या थी, अब की हाल क्या है आप देख सकती हैं। करने में बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। आप गंगा जी में जाके देख लीजिए कितना पानी सफा है, लोग नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कितनी अच्छी गंगा हो गई है पहले से। आप जब तक आज देखेंगे नहीं तब तक आपको नहीं भरोसा होगा। करने में और देखने में जमीन आसमान का फर्क है। आज आप देख लीजिए शहर को, इतना अच्छा रोशनी का व्यवस्था आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया बनारस पर। आज उन्होंने बनारस को इतना पब्लिसिटी किया, इतना पॉपुलर कर दिया कि देश विदेश में बनारस का नाम हो गया है। तो ऐसे में कोई मोदी को क्यों ना वोट दे? कंट्री घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है? कंट्री घूम रहा है, देख रहे हैं वहाँ के लोग। विपक्ष का राहुल गांधी का ये कह रहे हैं कि मोदी जी भारत में तो कम रहते, बाहर ही ज्यादा रहते। बाहर जाते हैं तो वहाँ का लोकेशन देखते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट क्या है, वहाँ की पब्लिक क्या चाहता है। उनका रीजन है कि यहाँ भी सफाई हो, यहाँ भी विकास हो तो हमारे टूरिज्म बढ़े, उनका बिजनेस बढ़े, उनका सोच ये है। ये नहीं कि यहाँ लोकल आदमी इसी तरह जीता रहे और गार्बेज की तरह मरता रहे। चलिए बिजनेस की बात निकली तो मुझे ये भी पूछ लेना चाहिए कि आपकी भी दुकान है, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहे ना कि GST और नोटबंदी से जनता त्रस्त है, आपको क्या लगता है खासकर GST को लेकर? देखिए थोड़ी परेशानियाँ तो है लेकिन ये आगे आने वाले वर्षों में सुधार हो रही है और उसमें सुधार जाएगा, उसमें कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं। एक नॉर्मल कॉमन बात है कि कोई भी चीज़ अगर बिगड़ता है या उसको डेवलप करना पड़ता है तो थोड़ा तो दिक्कत तो आती है, और जब वो बन के प्रोजेक्ट तैयार होता है तब लोग जानते हैं कि हाँ ये क्या अच्छा है। तो अभी तो लोग सोच रहे हैं कि ये खराब कर रहा है, जब जो रेडी हो जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा। आपकी नज़रों में देश का सबसे ईमानदार नेता कौन? फिलहाल तो हम मोदी जी को समझते हैं। हम भी मोदी जी को समझते हैं, मोदी। लेकिन राहुल गांधी तो पीएम मोदी को सीधा चोर कहते कि देश का चौकीदार ही चोर है। अरे कहने से क्या होता है, कहने मौखिक कुछ नहीं होता है। कर नहीं पाते हो, काल्टी उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। राफेल डील पे भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है मोदी सरकार। हम लोग इसको नहीं मानते हैं, हम लोग से नहीं मानते। ये तो खाली वोट के लिए राजनीति है, वोट की राजनीति है। उनके समय में बोफोर्स का था, इस समय वो राफेल कुल रहा है, क्योंकि इलेक्शन आ गया वोट चाहिए, तो ये तो गलत मुद्दा है। इलेक्शन पीरियड में हर आदमी बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात ये नहीं है। राहुल जी तो कह ही रहे हैं कि वो चोर हैं, वो गेटमैन हैं, चाय वाले हैं, तो वो तो कहवे करेंगे, मगर वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं? वो जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र भी बड़े हैं, जब क्षेत्र बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ता है, तो ये क्षेत्र बढ़ाने का काम जो है मोदी जी ने किया है। लेकिन और इसका असर तुरंत दिखेगा नहीं, जब कोई चीज़ अगर वो नींव डाला गया है तो सबसे बड़ी बात है मोबाइल के जो मैन्युफैक्चरिंग जो दिया गया है, नोएडा में जो प्लांट लगा है सैमसंग का, अभी जो स्टार्ट हो रहा है, अभी वो स्टार्ट होने में समय लगेगा, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो एक माध्यम बन गया ना रोजगार देने का। तो इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा कुछ तो काम तो किया नहीं, पहले के समय के अभी समय देख लीजिए कितने बड़े बड़े विदेशी कंपनियां बना, ये यूपी में चाहे हो एनी और कहीं भी देख लीजिए, भारत में बाहरी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, अपना प्लांट लगा रही हैं। तो इसलिए मोदी को आना बहुत ही अनिवार्य है, हम तो यही कहेंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं आप लोग भी हाईलाइट करिए कि मोदी आवे। हम लोग भी यही चाहते हैं मोदी आवे हैं। इस समय देशवासी और हमारे काशीवासी सारे लोगों की यही हार्दिक इच्छा है कि अगला 5 साल मोदी को ही पुनः हम लोग निर्वाचित करें, वो देश की सरकार को फिर चलावें और अच्छे तरह से देश हमारा विकास करे जैसे अभी विकास के पथ पर चल रहा है। तो लोगों का भी यही कहना है कि एक बार फिर मतलब अगले 5 साल भी पीएम मोदी को मिलना चाहिए। जो 45 साल से हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं किया है, मोदी जी तो बहुत काम किए हैं। जब भी आए उन्होंने कुछ ना कुछ बनारस के लिए विकास के लिए ही करके गए। अरे लोग झूठे हैं, केवल राहुल गांधी जी सच्चे हैं। देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट वो बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ है, आर्मी चीफ बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, फिर भी केवल राहुल गांधी कहना है कि बस मैं ही एक सच्चा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वही सच्चा है।